न्यूज 18 आप देख रहे हैं। बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। आज शाम 7:15 बजे पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले जुड़ी हुई हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संभावित मंत्रियों को फोन जाना शुरू हो चुका है, ये समय का एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कई मंत्रियों को फोन गए हैं, 11:30 बजे चाय पर मुलाकात होनी है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की हैं जब मोदी को नेता चुना गया था गठबंधन का, एनडीए का, और आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। लेकिन आज सुबह 11:30 बजे का समय है जब चाय पर मुलाकात मोदी करने जा रहे हैं। सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम को शपथ के बाद जेपी नड्डा के आवास पर डिनर का कार्यक्रम होना है। लेकिन उससे पहले जो संभावित नाम हम आपको बता रहे हैं, वो नाम आप देख सकते हैं, प्रहलाद जोशी, अनुप्रिया पटेल, उत्तर प्रदेश से, वो 6 नाम शामिल हैं जहां आज चाय पर चर्चा करने के लिए पीएम इनको बुला सकते हैं शपथ ग्रहण से पहले। जिन्हें फोन आ चुका है, राजनाथ सिंह का इसमें नाम है, अमित शाह का इसमें नाम है, अनुप्रिया पटेल का इसमें नाम है, जयंत चौधरी का इसमें नाम है, प्रहलाद जोशी का इसमें नाम है, जिनको कॉल जा चुका है। ये भी जानकारी दे देते हैं, गठबंधन की सरकार बन रही है तो ऐसे में हर एक दल का मोदी ध्यान रख रहे हैं। कोई गिला शिकवा नहीं, कोई नाराजगी नहीं, एकमत और एकजुटता के साथ आगे बढ़ती हुई मोदी 3.0 की ये सरकार जो है देश के विकास, विकसित भारत के एजेंडे पर काम करने के लिए तैयार है। तो आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, एक तरफ पीएम मोदी शपथ लेने जा रहे हैं 3.0, मोदी 3.0 आज से आगाज होने जा रहा है। दूसरी तरफ आज वो नाम भी आपको बता रहे हैं जिनको फोन जा चुका है, जिनके साथ शपथ ग्रहण से पहले चर्चा करने वाले हैं मोदी। महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश से संभावित वो 6 नाम हैं जिनको मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। राजनाथ सिंह का नाम सबसे ऊपर, जिन्होंने मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल में 2014-2019 दोनों ही कार्यकाल में बेहद अहम भूमिका निभाई है। फोन जा चुका है राजनाथ सिंह को, बड़ी जीत लखनऊ लोकसभा से उन्होंने दर्ज की है। तो ऐसे में एक बार फिर से 3.0, मोदी सरकार 3.0 में बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से राजनाथ सिंह जो है वो निभाने वाले हैं। तो हर किसी के मन में अब एक ही सवाल है कि कैसी होने जा रही है मोदी 3.0 कैबिनेट, कौन कौन नए चेहरे इस कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का जनादेश सबके सामने है। जनता ने एनडीए गठबंधन को बहुमत देकर फिर से एक बार मोदी सरकार पर मोहर लगाई है, जिसमें आज मोदी, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम की कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे। नतीजों के बाद आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं। 9 तारीख रविवार का दिन शाम 7:15 पर पीएम शपथ लेंगे, मोदी शपथ लेंगे पीएम पद की। लेकिन अब सबकी नजरें रहने वाली है मोदी कैबिनेट में, आखिरकार कौन जगह पाता है, किसकी एंट्री होती है, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाती है, हर कोई इसी पर नजरें गड़ाए बैठा हुआ है। तो अब सवाल यही है कि मोदी सरकार 3.0 की नई कैबिनेट में कौन कौन होगा, किसे क्या मंत्रालय दिया जाएगा। अब आप ये कह सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आज तक की जो मोदी कैबिनेट जो आपने देखी है 2014-2019, उससे बदली हुई 2024 की मोदी कैबिनेट आपको नजर आएगी। किसे जिम्मेदारी मिलने वाली है ये देखना होगा, इस सवाल का जवाब हर कोई चाहता है। ड्रीम कैबिनेट इसको नाम दिया जा रहा है, मोदी 3.0 की इस कैबिनेट को ड्रीम कैबिनेट इसलिए नाम दिया जा रहा है क्योंकि कई ऐसे बदलाव 2024 के चुनाव में आपने होते हुए देखे। जो दल 2014-19 में बीजेपी के साथ नहीं थे वो एनडीए में शामिल हुए, जीत भी उन दलों ने दर्ज की, और ऐसे में जब बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई तो गठबंधन की सरकार बन रही है। जो स्क्रीन आप इस समय देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से वो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जिनको फोन जा चुका है। 11:30 बजे चाय पर चर्चा होनी है मोदी के साथ। विनीत सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर और जानकारी के साथ। विनीत, संभावित चेहरे जिनको फोन जा चुका है मोदी कैबिनेट में,
जिसको ड्रीम कैबिनेट नाम दिया जा रहा है, इसमें शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के 6 जो चेहरे हैं मंत्री बनने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं। आज सुबह 11:30 बजे जो ये 4 पे चर्चा होनी है, पीएम मोदी जो इनके साथ बैठक करने वाले हैं, इसकी बड़ी बातें आपसे जानना चाहेंगे, तैयारियां इसको लेकर कर ली गई हैं। विनीत, आज ही निश्चित तौर पर कंचन मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 11:30 बजे जो है वो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी के साथ चाय पर मुलाकात करेंगे और उसके बाद ही शाम में 7:15 बजे जो है वो उनके साथ शपथ लेंगे। साफ तौर पर अगर हम देखें 2014 में भी 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के पहले अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी के साथ मुलाकात की थी और उसके बाद ही शाम को शपथ लिया था। साफ तौर पर जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से मोदी 3.0 जो अपने ड्रीम कैबिनेट कर रहे हैं उसका विजन जो है वो रखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर कह चुके हैं कि 2047 में अगर भारत को विकसित भारत बनाना है तो उसके लिए मिलकर मजबूती से काम करना होगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब विभिन्न मौकों की बात करें, चाहे वो बीजेपी में जीत के बाद वो आए थे, उस वक्त उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो अपने जो मोदी 1-2 के जो कामकाज थे उसे ही आगे बढ़ाएंगे, मजबूती के साथ काम करेंगे, विकास के एजेंडे को साथ आगे रखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के काम करेंगे, साथ ही साथ हमें जो करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको लेकर के वो काम करेंगे। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि वो कड़े फैसले जो है वो लेते रहेंगे, तो साफ तौर पर यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मुलाकात करेंगे अपने कैबिनेट के होने वाले सहयोगी के साथ जो है वो मुलाकात करेंगे, उस वक्त वो उन सभी बातों को बताएंगे ताकि जब मोदी सरकार जो है वो अपना कामकाज करे, मोदी सरकार के जो, क्योंकि शुरुआत में जब सरकार बनती है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है 100 दिन का एजेंडा, तो 100 दिन का एजेंडा जिसको लेकर के हमने देखा कि मोदी 2.0 में ही शुरुआत में हो चुकी थी, जिस पर काम काज जो है वो मोदी 2.0 में ही शुरू हो गया था, मोदी 3.0 में उस पर अमल किया जाना बाकी है, तो इसको लेकर के कैसे आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने मंत्रिमंडल के होने वाले सहयोगी के साथ मुलाकात करेंगे, चाय पर चर्चा करेंगे और उन्हें मोदी 3.0 का जो विजन है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो एक सवाल आपसे विनीत, उत्तर प्रदेश की राजनीति से महत्वपूर्ण है जो पूछना जरूरी हो जाता है। देखिए 2019 में जब बीजेपी ने या गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में 64 सीटें जीती थी, तब कैबिनेट में हमने देखा था कि 14 मंत्री बनाए गए थे उत्तर प्रदेश से, लेकिन इस बार तो हमने बदलाव देखे हैं, आरएलडी भी यहां पर सरकार के साथ आई है लेकिन सीटें घट गई हैं, इस बार 33 सीटों पर ही बीजेपी सिमट कर रह गई है। तो ऐसे में कितने, एक सटीक आंकड़ा आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं, कितने संभावित मंत्री बनाए जा सकते हैं खासकर यूपी से? कुछ नाम जिनको फोन जा चुका है वो हम दिखा रहे हैं, लेकिन आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? आज ही निश्चित तौर पर कंचन मैं आपको एक और बड़ी बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर हम मोदी बहन 2014 और मोदी बहन 2019 समय के मंत्रिमंडल की बात करें, तब उस समय पहला जो मंत्रिमंडल हुआ था वो जो है उसके बाद जो दूसरा मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ था उसमें कई मंत्रियों को जो है वो शामिल किया गया था। पहले मंत्रिमंडल में जो है वो जो नंबर्स थे वो कम थे और जो जो जब जब विस्तार हुआ था उस समय जो है वो मंत्रिमंडल में जो नए चेहरे जो है वो शामिल किए गए थे, अधिक संख्या में जो है वो शामिल किए गए थे। तो वो इस बार भी संभावना यह जताई जा रही है कि जो हमें सूत्र हमें बता रहे हैं कि वह भले ही इस बार जितने भी नंबर्स जो है वो शामिल हो, 5 हो यूपी से, 6 हो, 7 हो, 8 हो, लेकिन बहुत संभावना यह है कि बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट का विस्तार करेंगे, रिसफल करेंगे, उस वक्त भी जो है वो विभिन्न प्रदेशों से, अगर हम यूपी की भी बात करें तो वहां से भी लोगों को जो है वो शामिल किया जा सकता है। एक बड़ी बात यहां पर कंचन मैं आपको और बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने विजन की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो वो क्षेत्रों को भी, ठीक है, तो जातीय समीकरण देखिए साधने के लिए यहां पर चुनाव भले ही हो गया हो लेकिन सरकार हर पहलू को ध्यान में रखते हुए ही ये मंत्रिमंडल, मंत्रालय जो है योगी कैबिनेट, माफ कीजिए, मोदी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश से नए चेहरों को शामिल करेंगी। विनीत, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। कई राष्ट्रों के प्रमुख पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं और कुछ मेहमानों का पहुंचना लगातार जारी है। मालदीव के आप राष्ट्रपति की तस्वीरें देख रहे हैं इस समय,
दिल्ली में मेहमान पहुंच चुके हैं। ये देखिए नीचे आपको हम अपनी स्क्रीन में दिखा रहे हैं कौन कौन है वो वीवीआईपी मेहमान जो आज पीएम मोदी के आगामी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के साक्षी बनने जा रहे हैं। और आइए कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। बुलंदशहर से जीत की हैट्रिक लगाने वाले सांसद भोला सिंह ने विपक्ष के शपथ ग्रहण से दूरी बनाने को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि गरीब मां के बेटे को पीएम पद की तीसरी बार शपथ लेना विपक्ष के नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा है और इसी वजह से विपक्ष के नेता शपथ ग्रहण से दूरी बना रहे हैं। भाई साहब, इतना ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी, तमाम आपके सांसद हार गए जो लगातार चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आप तीसरी बार जीत के आए, क्या आपकी रणनीति क्या रही? देखिए, ये हमारे विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यश है और उनकी कार्यशैली है। 10 साल में ऐतिहासिक विकास बुलंदशहर की लोकसभा में हुआ है और प्रमुखता से जो बहुत बड़ी समस्याएं हमारे यहाँ मेडिकल की होती थी, तो एक हॉस्पिटल के साथ साथ एक मेडिकल कॉलेज भी हमारी सरकार ने बुलंदशहर के लिए दिया है। सड़कों का अच्छा निर्माण हुआ है। बाकी सरकार की योजना, चाहे पीने का पानी हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे आपके गैस पहुंचाने का हो, बहुत अच्छा विकास बुलंदशहर में हुआ है और उस विकास को सराहते हुए बुलंदशहर की जनता ने तीसरी बार मौका मुझे दिया है। लेकिन ज्यादातर देखा गया जिनके टिकट रिपीट हुए हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन तीसरी बार जीतना अपने आप में एक रिकॉर्ड है, तो लगता है कि आपने क्षेत्र स्तर पर काम किया या कुछ चुनौतियां आई विपक्षी गठबंधन से? भाई, प्रयास हमारा ये रहता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजना हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता के माध्यम से प्रत्येक हमारे क्षेत्रवासी को उसका लाभ मिले। निरंतर हम उसका प्रयास करते रहते हैं, लेकिन कब कुछ लोग अलग समीकरण होते हैं। यूपी में जातिगत समीकरण भी काफी चलता है। अब हो सकता है कुछ सांसद जातिगत समीकरण की वजह से हमारे नहीं जीत पाए हो। भोला सिंह की प्राथमिकता क्या है क्षेत्र के विकास के लिए तीसरे टर्म में? माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प विकसित भारत का और हमारा संकल्प विकसित बुलंदशहर का। क्या